गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉगर, कैसे हैं सब? आई होप यू गुड। जैसे गाइज आप देख सकते हैं, एक्चुअली मैं कहीं और आ चुका हूँ। बात ये थी कि मैं 27 अगस्त में लुधियाना वापस आ चुका था और आज हो रही है 20 अक्टूबर। तो गाइज बीच में मेरा 1 मंथ का गैप पड़ गया सितंबर का, वो क्योंकि बात ये थी कि मैं थोड़ा घर का काम आ गया था, थोड़ा पर्सनल काम आ गया था, उसको कवर करना था। ठीक है, जैसे कि गाइज आप सभी को पता है कि हमारा मेन मोटिव मोटो व्लॉगिंग का ही था, तो मैं दोबारा कंटिन्यू करना ही चाहता था। मेरे को कंटिन्यू करना ही था यार, मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। थोड़ा घर का काम इशू ऐसा आ गया था कि मेरे को बीच में ड्रॉप करना पड़ गया था। तो फिर जैसे कि मैं पहले इस हेलमेट पे व्लॉग किया करता था, मोटो व्लॉगिंग का रिकॉर्डिंग इससे किया करता था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ना टेप्स लगाए हुए हैं, टेप्स ना ये सही से रहते नहीं थे यार, ये ना काफ़ी दिक्कत कर रहा था। जैसे कि ये भी कई बार बीच में वाइजर खुला रह जाता था तो हवा वगैरह अंदर क्रॉस होता था, और ना ये स्टेबल प्रॉपर सही से रह भी रहा था, थोड़ा दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने हेलमेट न्यू परचेज़ किया अमेज़ॉन से, वो है स्टील बर्ड का SBH-17 टर्मिनेटर। नाम तो काफ़ी बहुत बड़ा है और ही है और बजट में है, तो मैंने वही परचेज़ किया। कि और मैंने कुछ और भी माउंट्स भी बाई किए हैं, जैसे कि चेन माउंट हो गया और एक गोल सा भी लगता है चेन माउंट के ऊपर, ठीक है, वो भी मैंने बाई किया था, उसका मेरे को नाम नहीं पता। ठीक है, उसको अनबॉक्स करेंगे तो मैं साइड में यहाँ पे शो कर दूँगा वो क्या चीज़ है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सामान का अपना अनबॉक्सिंग करने का। तो 1 2 3, तो ये थे गाइस। गाइस बात ये थी कि मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, तो क्योंकि मैंने अनबॉक्स इसलिए किया था, जैसे कि कई बार पार्ट्स टूटे हुए निकलते हैं तो रिप्लेस करवा लेंगे हम लोग, इसलिए मैंने पहले खोल दिया था। जैसे कि सारे बॉक्सेस खुले हैं, ये भी खुले हैं और ये भी खुला हुआ है, तो मैंने फिर एज इट इज़ खोल के फिर वैसे ही मैंने पैक करके रख दिया था। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इन दोनों को पीछे रख देते हैं साइड में। पहले हम अपने हेलमेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको खोलते हैं पहले। तो भाई जैसे कि मैंने हेलमेट अभी खोल लिया है, तो इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्लीन वाला वाइज़र मिला, जैसे कि मैंने ब्लू वाला वाइज़र लिया था साथ में, तो साथ में फ्री दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। ये साइड में रखते हैं, और इसमें वो नहीं लगा हुआ है, कवर नहीं लगा, जो आगे फ्रंट में स्टिकर होता है वो ऑलरेडी है ही नहीं, ये चीज़ मैंने नोटिस की थी, बट चलो कोई बात नहीं, आगे तो आगे हम बाहर से परचेज़ कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। वैसे अभी स्क्रैचेस वाई नहीं, ठीक ही है, प्रॉपर ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अब हेलमेट निकालते हैं। तो गाइस ये अपना हेलमेट, बॉक्स को कर देते हैं साइड पे, ठीक है। तो ये रहा अपना हेलमेट, तो खोलते फिर। तो 1 2 3 बूम, गाइस ये रहा अपना हेलमेट, काफी नाइस एंड कूल है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सा लग दिख रहा है, जैसे देख सकते हो काफ़ी ब्राइट सा, बिग सा। साथ में इसका ये बात ये थी कि ये भी चीज़ इसमें है, बटन यहाँ पे, अब यहाँ पे बटन होती है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है, पहले हाफ खुलता है, ठीक है, थोड़ा सा हवा पास होने के लिए, नॉर्मल के लिए, ठीक है, और जैसे दोबारा प्रेस करेंगे तो पूरा ओपन हो जाता है। तो फिर ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको ऐसे बंद करना होगा तो पहले एक बार ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे आ गया, फिर एक बार इसको टाइप कर लेंगे अच्छे से, फिर बंद हो गया, ठीक है, अभी खुलेगा नहीं, अच्छे से बंद हो गया, अभी खुलेगा नहीं, ठीक है। देखिए अब अपना हेलमेट हो गया, अब जो चेन माउंट जो यहाँ लगती है वो भी मैंने बाय किया था, चेन माउंट यहीं पे लगेगी साइड में यहाँ पे बीच में, तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये साइड में ये रहे इसके, तो इसको यहाँ रख देते हैं पीछे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि ये रहा चेन माउंट, इसका एक्शन प्रो का मिलता था ये एज अ, ये 500 के अराउंड का है, ये 550 का अराउंड का है, ये मेरे को उससे भी मिला था अमेजोन से, ये भी मैंने अमेजोन से बाई किया है। और जो अपना हेलमेट है ये अराउंड 2000 समथिंग कुछ का था, ये मेरे को याद नहीं है, काफ़ी पहले ले लिया था, तो और भी जो सामान थे ये वाले ये थोड़ा लेट आए थे, तो मैं मेंशन कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो
ये है एक्शन प्रो का चिन माउंट, ये लगता है वहाँ पे बीच में। तो इसको सेट करेंगे पहले, इसको अभी नहीं सेट करेंगे, पहले इनबॉक्स कर लेते हैं। इसको भी साइड में रखता हूँ यहाँ पीछे। नेक्स्ट जो आ गया उस पर जो स्टैच सेट होता है चेन माउंट पे, जहाँ पे अपना फ़ोन होल्डर कर पाऊँगा मैं अपना, तो ये वो चीज़ आ गई। तो गाइस ये भी एक्शन प्रो का ही है। तो गाइस ये ना बस यही वाला सर्कल वाला जो पार्ट है यही मिलता है इसके साथ। ये मेरे को 200 के अराउंड पड़ गया था, ये वाला पार्ट रहता है। और जो बाकी का पार्ट है ये जो चेन माउंट है उसके साथ का है, ठीक है। तो गाइस ये था कि मैंने क्या किया कि उसको लगाने के लिए एक स्क्रू मिलता होता है, स्क्रू भी 200 के राउंड का होता है। मैंने सोचा कि वो क्यों खरीदना, तो मैंने हार्डवेयर की शॉप से जाके मैंने ये बोल्ट लगवा लिया था, ठीक है। ये बोल्ट अराउंड मेरे को 50 रुपीज़ का, सॉरी 50 बोल रहा हूँ, ये तो 10 रुपये का ही मिल गया यार। कहाँ 10 रुपये खर्चने थे, कहाँ 200 रुपये खर्चने थे, बस ठीक है। और ये स्टेबल है, हिलता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब इसको माउंट करते हैं उसमें। देखो ऐसे हो गए, ठीक है। अब जो ये है जो राउंड वाला पार्ट है यहाँ पे, जो ये है जो यहाँ पे अपना फ़ोन हम अटैच कर सकेंगे, ठीक है, वो मैंने भी स्टैंड में लगाया हुआ है। तो जो पूरा पार्ट है वो यहीं पे आ जाएगा। तो गाइस अभी हम इसको अटैच करते हैं, ठीक है। तो इसको निकाल लेता हूँ पहले, तो मैंने निकाल लिया इसको बाहर। तो इसको अटैच करते हैं, फिर इसको टेस्ट भी करेंगे बाहर जाके, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसा व्यू आ रहा है प्रॉपर जो आ रहा है, ठीक है। तो जो टेस्ट करेंगे वो मैंने इसी फ़ोन से करना है, जैसे कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोन से अटैच करूँगा इसको, फ़ोन को ही लगा दूँगा। मेरे पास अभी गोप्रो वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने यही चीज़ मंगवाई थी। ये तो इसमें तो चाहे गोप्रो भी सेट हो जाएगा, बट जो ये फ्रंट वाला चीज़ जो है ये मैंने फ़ोन के लिए ही एक्स्ट्रा मंगवाया। इसका तो 200 रुपये मेरे को करना ही पड़ता, मैं कहाँ बाहर जाके धक्के खाता कि मेरे को ये चाहिए, जहाँ से कहीं नहीं मिलता तो दिक्कत हो जाती है ना। तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगवा लिया था। और जो बोल्ट है वो मैंने बाहर से लगवा लो तो चलो वो लग ही जाएगा, ठीक है। ये तो 10 रुपये का ही भी लग गया था। तो अब इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं एक्चुअली प्रॉपर लग चुका है, ये भी वाइजर बंद हो गया, तो बीच में कोई प्रॉपर गैप नहीं बचा है, ठीक है। तो सही से लग गया एंड ये हिल भी नहीं रहा है, ये प्रॉपर अच्छे से लग चुका है। जब भी फ़ोन यहाँ पर अटैच होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से फिक्स हो गया। और अब ये वाला पार्ट लगाते हैं इसमें। तो सेकेंड काफ़ी हार्ड रहता है यार, ये ब्रेक ना हो जाए बस यार, अच्छे से लगाओ आराम से। ये सब चीज़ में यार तो धीरे धीरे आराम से करना चाहिए। तो गाइस अब देख सकते हो एक्चुअली प्रॉपर सेट हो चुका है, तो आपको दिख रहा होगा साइड से अच्छे से प्रॉपर लग गया ये, तो हिल भी नहीं रहा, ये अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर मैं पहन के दिखा देता हूँ मेरे में कैसा लग रहा है। तो गाइस ऐसा आ रहा है अभी, पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे फ़ोन का जो होल्डर मैंने लगा रखा है वो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर अभी बाहर निकलते हैं तो शूट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा बाहर, ओके चलो। तो गाइस अभी अपन बाहर आ गए हैं यार, तो देख सकते हैं अभी काफ़ी स्टेबल तो है यार, प्रॉपर सभी सही सही तो है और ठीक है, कंफर्टेबल भी है। अब जो मेरा ब्लू वाला वाइजर लगा रखा है मैंने तो अच्छे से तो बनी रहा है ब्लॉगर। बाकी देखो अभी चलते हैं अभी थोड़ी देर लाइट लगाते हैं, देन फिर आगे का शूट करते हैं। कि यार काफ़ी टाइम के बाद ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ, काफ़ी
मज़ा सा आ रहा है। और न्यू हेलमेट है, स्टाइलिश भी है, अच्छा है, अच्छा सा लग रहा है यार। काफ़ी टाइम के बाद कर रहा हूँ, खुशी भी हो रही है और मन भी कर रहा था काफ़ी करने का, और काफ़ी टाइम के बाद कर रहा हूँ यार। सही सुकून सा मिल रही है और मज़ा सा आ रही है यार सही में। तो अभी चलते चल ही रहे हैं अभी। ये है कि यार इसमें गर्मी, बट ये है कि इसमें यार गर्मी बहुत लगने वाली है। सही बात है भाई, इसमें गर्मी लगेगी। बाकी तो ऑल सेट है यार, सही सही सा मज़ा सा आ रहा है यार सही में। उन्हें भी चलते हैं आगे थोड़ी देर। और गाइस जैसे भी बात करें तो यार हेलमेट काफ़ी सही है, कंफर्टेबल है, और जो चिक्स के पास भी अच्छे से कवर हुआ पड़ा है और दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अच्छे से सब कवर हुआ पड़ा है, ठीक है। ये है कह सकते हैं कि हाँ बजट में है, 2000 राउंड के बजट में है और प्रॉपर अच्छा अच्छा हेलमेट है, गलत भी नहीं कह सकते, अजीब सा भी नहीं कह सकते, अच्छा हेलमेट है। तो अब चलते हैं, अभी रिफ़िल करवाते हैं, रिफ़िल करवा लेते हैं फिर वापस चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूर पर भी जाना नहीं है, थोड़ा पास में रहेंगे, अभी इतनी दूर जाएंगे जाने की ज़रूरत नहीं हमें, तो रिफ़िल करवाते हैं चलते हैं इधर। तो गाइस अभी रिफ़िल तो करवा लिया यार, चलते हैं नेक्स्ट अब घर की ओर। यार काफ़ी गर्मी लग रही है यार, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और भैया अच्छे मिल गए थे, उन्होंने पूछने लगे कि क्या लगा है, कैसा लगा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो गाइस जैसे कि अभी वापस तो जा ही रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो एंड यहीं पर कर देते हैं, अभी घर जा के नहीं करेंगे। तो गाइस अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और पसंद ना आया हो तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, और मेरे को बताना कि कहाँ दिक्कत आ रही थी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी एंड ऑल, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लेना यार, और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, जैसे कि आगे के जो मेरी तो डेली व्लॉग्स अब आएंगी, मैंने अब डेली व्लॉग्स ही अपलोड करनी है, तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लेना यार, ठीक है। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।